नमस्कार, मैं सीआरजे और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेड में। तो आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक और ड्राइंग सीरीज का वीडियो। और आज भी जो वीडियो है वो प्लान का ही है, लेकिन आज वाला पिछले सबसे कुछ अलग है। पिछली बार मैंने आपको जो कुछ इस तरह के सिंगल पीस आपको ड्रॉ करके दिखाए थे और बताए थे कि इसका जो प्लान है वो किस तरह से, इसका जैसे पोजीशन बदलेगा उसके हिसाब से कैसे इसकी ड्राइंग कागज पे उतरेगी, ये चीज मैंने बताई थी। और आज है वो यही पीस मैंने इस तरह से कुछ जोड़े हैं। जैसे इसमें ये दो गोल वाले पीस हैं और दो चौरस वाले पीस हैं, और एक ये है। इसमें देखिए, एक ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये चतुर्भुज जैसा, और फिर इसमें ये कुछ इस तरह का मैंने इसको बना दिया। दो जो ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल, ये दोनों साइड में लगा दिए हैं, और एक जो बड़ा ट्राइंगल है वो इधर लगा दिया है। अब ये चीजें जब कागज पे उतरती हैं तो वो कैसी दिखती हैं, ये चीज जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप कागज पे उस चीज को समझने लग जाएंगे तभी आपको ड्राइंग समझ में आएगी। क्योंकि जो एक्चुअल में इसको देखते हैं और जब ये कागज पे उतरती है ना, तो कुछ अलग ही होता है। जब इसका प्लान कागज पे उतरता है तो ये ऐसा नहीं दिखता, बहुत अलग दिखता है। और हमें देखने की आदत होती है कि ये देखा तो ऐसा ही हमें कागज पे दिखे तब तो समझ में आ जाए, लेकिन कागज में तो जो ड्राइंग होती है वो 2D ड्राइंग है, वो एक्चुअल ड्राइंग 2D ही होती है। अभी तक है वो 3D ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन 3D ड्राइंग है वो, उसका डायमेंशन कभी भी सही नहीं हो सकता है। 3D की ये सबसे बड़ी कमी है, देखने में वो आसानी से समझ में आ जाती है, उसके लिए अच्छी है, लेकिन कभी भी जो भी बड़े प्रोजेक्ट या जो भी बनते हैं आज तक सब 2D में ही बनते हैं। क्योंकि एक जगह पे सिर्फ दो ही से 2D मतलब 2 डायमेंशन, यानी एक साथ में हम कागज पे दो ही डायमेंशन उतार सकते हैं। अगर तीसरा डायमेंशन उसमें लेते हैं, 3D बनाते हैं, तो फिर उसका जो एंगल होता है वो उसका खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें एंगल अलग बनाना पड़ता है तब वो 3D बनता है। और इसी में एक आइसोमेट्रिक व्यू भी होता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बना के उसको भी बताएंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। और क्या आप लोगों को आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है ये पता है? जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये दो चीजें हैं, ये जब एक्चुअल में प्लान पे उतरती हैं, कागज पे उतरती हैं, जब इनका बनता है तो कैसा बनता है। क्योंकि ये चीजें जब धीरे धीरे आपके दिमाग में आएंगी ना, तो आप उस तरह से ड्राइंग के हिसाब से दिमाग आपका चलना शुरू होगा और आप चीजें समझना शुरू करेंगे। तो चलिए अभी कागज पे चलता हूं, और मैंने इसके प्लान बनाए हुए हैं और भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनका प्लान बनता है और किस तरह से ये चीजें अलग हो जाती हैं। तो चलिए अभी चलते हैं कागज पे और देखते हैं आगे का वीडियो। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो दोनों चीजें यहां पे रखी है मैंने, इसका मैंने पहले से बनाया, इसको मैं उठाता हूँ। ये अगर ऐसे रखा है और ये दोनों को मैं अलग कर लेता हूँ, तो अब आप देखिए कि ये जो है इसका अगर कागज़ पे प्लान उतरेगा तो वो कुछ, ये अगर ऐसे रखा है तो देखिए ये ऐसा इसका प्लान बनेगा। क्योंकि इसका ऊपर का या नीचे का जो भी कागज़ पे उतरेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल हम ऊपर से देख रहे हैं। जैसे अब आप देखिए, आपको ऊपर वाला सिर्फ एक ही दिख रहा होगा, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम जब हम एकदम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं ना, तो नीचे वाला उसके पीछे छुप जाता है, तो दोनों का प्लान एक ही बन जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको सिर्फ ऊपर वाला ही दिख रहा होगा, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा वीडियो के अंदर में। इसी तरह से जो दूसरा ये है, ये यहां पे रखा, अब इसको देखते हैं तो देखिए अभी ऊपर से जो ये चीज दिख रही है, क्योंकि ये तिरछी जा रही है दोनों, नीचे वाला जो ये इसका नीचे का हिस्सा है ये तो सेम ऐसा कैसा मैंने जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रखा है वो वैसा का वैसा हो गया। अब जो दूसरा ये तिरछा जा रहा है, ये दो बने हैं तो ये इनकी जैसे ये परछाई आ रही है ना, देखिए इसके अंदर में आप देख रहे होगे एक ब्लैक आपको परछाई दिख रही होगी, तो वो कहाँ तक आ रही है और किस तरह से आ रही है, तो वो परछाई जिस तरह से जितना एरिया कवर करती है वैसा ही इसमें ये वाला हिस्सा यहां से, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में आ रहा है, ये वाला हिस्सा
इसको कवर करेगा। तो ये दो लाइन इसमें आएगी, ये जो मैंने आड़ी लाइन मारी है, ड्राइंग का ऐसा नहीं है, खाली आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे होगी। ये लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी और इधर की पूरी लाइन मिलेगी, पूरी इधर वाली पूरी लाइन मिलेगी, वो जो ये वाला जो आप पीस देख रहे हैं इसकी पूरी लाइन इधर वाली, ये ब्लैक लाइन जो इधर वाली है वो तो है इस पीस की, और जो ये वाली लाइन आएगी, ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आएगी ये जो छोटे वाला ये पीस और ये पीस, ये दोनों की, क्योंकि ये तिरछे आ रही है। इधर वाला है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है तो उसकी सीधी एक लाइन ही आएगी, और ये तिरछा जा रहा है तो जितना तिरछा आएगा, जैसे जैसे कोई भी चीज़ ऐसे तिरछी होती जाएगी वैसे वैसे उसका कागज़ पे वो उसकी परछाई जितनी बड़ी बनेगी वो उतना ही कागज़ पे उतरेगा। यानी ऊपर से जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमें कितना दिख रहा है, यानी इसको देख रहे हैं ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सेंटर तक दिख रहा है, इधर वाला भी यहाँ से लेके और इसका ये सेंटर तक दिख रहा है, तो ये यहाँ से चल के सेंटर तक जाएगा और इधर वाला इसका सेंटर तक आ जाएगा, इस तरह से इसका है वो ये बनेगा। अब इसी को अगर हम ऐसे कर देते हैं, देखिए ये चीज़ ऐसे ही अगर रखते हैं तो जो ये वाला ट्रायंगल है ये ऐसे कागज़ पे ऐसा कैसा उतर जाएगा, ये जो खड़ा वाला जो चतुर्भुज नीचे था पहले, ये अभी इधर आ गया, ये खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया, तो इसकी तो ये बाहर वाली जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये ब्लैक लाइन हो गई, और जो ट्रायंगल अपना बन रहा है क्योंकि इसकी ये ब्लैक लाइन इसी के साथ में आ गई, ये ही लाइन इसकी नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसकी भी यही लाइन बनेगी और इधर वाले की भी यही एक ही लाइन बनेगी दोनों की। अगर वो एक ही लाइन में, इधर एक ही लाइन में है, तो अगर वो अंदर या बाहर, अंदर है इससे नीचे वाले ट्रायंगल से, तो फिर वो लाइन उसकी अंदर दूसरी लाइन बन जाएगी, वो दूसरी लाइन आ जाएगी। लेकिन ये अगर ऐसे रखा है तो ये बिल्कुल बाहर का हिस्सा इसका इसके लेवल में है, तो वो एक ही लाइन में दोनों कवर हो जाएंगे, तो ये वाला यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह का पीस है। इसको है वो फिर जब हम एलिवेशन, साइड एलिवेशन उनमें जाएंगे तब ये चीज़ें पता चलेगी कि ये किस तरह का पीस है। अब ये वाला इसकी लाइन जो ये है, ये मैंने जानबूझ के देखिए थोड़ा सा मैंने अंदर में रखे हैं, देखिए ये बाहर वाला जो पीस है इससे आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंदर में रखा है, ये थोड़ा सा अंदर में आपको समझाने के लिए ही मैंने रखा है, क्योंकि ये वाला पीस है ये वाला इधर आ रहा है, यानी ये रेड वाली लाइन मैंने इसीलिए लगाई है कि ये दोनों पीस ये हो गए, और ये अगर रेड वाला पीस है ये अगर इससे थोड़ा सा अंदर हुआ तो ये तीसरी लाइन इसकी यहाँ बनेगी, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम सेम टू सेम है तो फिर इसकी लाइन है वो दोनों की एक ही हो जाएगी, नीचे वाले की इसका एज और इसका एज दोनों जाके मिल जाएगा एक जगह पे, तो वो एक ही लाइन बनेगी। अगर थोड़ा अंदर है तो वो लाइन उसकी अलग अंदर की तरफ में बन जाएगी, इसलिए मैंने देखे रेड वाली लाइन है ये दोनों थोड़ा थोड़ा अंदर है, इसके लिए मैंने ये लाइन अंदर रख दी। तो ये जब ऐसे में इसका प्लान बनेगा तो ये आपको खाली ये दो ट्राइंगल जैसे दिखेंगे, ये फर्क हो जाता है जब हम कागज पे जाते हैं ड्राइंग पे और जो हमारे सामने पीस बनना है उसमें कितना फर्क होता है ये अब आप देख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे। इसलिए ये चीज़ें जब आपको दिमाग में आने की, ये दो ट्रायंगल दिख तो रहे हैं लेकिन किस तरह से हो सकते हैं, फिर इनका है वो सामने अपना एलिवेशन में जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे, साइड एलिवेशन है, सब ये चीज़ें आगे जब आएंगी उसमें एक एक देख के इनको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है, तब जाके पूरी ड्राइंग दिमाग में बैठती है। यानी कोई भी ड्राइंग है वो तीन हिस्सों में होती है, 2D की ड्राइंग, तब छह हिस्से किसी भी चीज़ के पूरे होते हैं। ये चीज़ है, ये मैंने बताई, ये ऐसे ऐसे रखा तो इसका ये बनेगा प्लान, और अगर इसको ऐसे रख देते हैं, अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे नीचे वाला पीस जो है वो छुप गया, दो पीस हैं लेकिन कागज़ पे एक ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे है वो नीचे वाला पीस इसके नीचे छुप गया, तो इसकी एक ही बाहर की लाइन ये आएगी, और जो मैंने देखे अंदर की लाइन और इसमें ऐसे डॉट डॉट ब्लैक वाले लगा रखे हैं, वो जो ये वाले पीस हैं ये अब खड़े हो गए, गोल वाले पहले आड़े थे और ये खड़े हो गए, तो इनका भी जब इसकी भी एक लाइन बनेगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी जितनी लाइन है, ये जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डाया होता है वो इसका पूरा का पूरा डाया और इसकी मोटाई जितनी है उसके हिसाब से एक लाइन होगी,
तो ये मान लीजिए ये अपना 2 mm 3 mm अंदर है, तो ये 2 mm 3 mm एक एक लाइन और उसकी बन गई। और ये मैंने डॉट डॉट इसलिए लगाए क्योंकि इसके नीचे छुप रहा है, तो इसको हिडन जो हो गया, जो भी हिडन हो गया उसके लिए ये कट लाइन दी जाती है इस तरह से, उससे ये पता चल जाता है कि कुछ इसके नीचे छुपा हुआ, उसके नीचे है। जो ये आप देखेंगे, ये देखिए मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, ये इस तरह से जब ड्राइंग में होती है तो वो हिडन लाइन हो जाती है और ये पता चलता है कि इसके नीचे कुछ है। तो उसको नीचे वाले को देखने के लिए फिर ये इस तरह का पीस है, तो फिर इसका अगर ऐसे देखें तो ये साइड में जाएंगे, साइड एलिवेशन हो गया, या एक बैक मान सकते हैं, एक फ्रंट मान सकते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड मान सकते हैं, ऐसे घुमा लेंगे। वो जिस पोजीशन में जहाँ पे लगेगा वो तभी उस चीज़ में तय हो पाएगा कि कौन सा इसका है वो प्लान है, कौन सा इसका एलिवेशन है, कौन सा इसका साइड एलिवेशन है, कौन सा बैक है। वो जहाँ पे जिस पोजीशन में लगता है तब तय होता है उसका ये सब चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको और क्लैरिटी आई होगी प्लान में, और आगे इसी तरह से मैं पहले आप लोगों को कन्फर्म ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप ड्राइंग के हिसाब से सोचना शुरू कर दें। जब तक आप ड्राइंग के हिसाब से सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको ड्राइंग समझ में नहीं आएगी। और ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कागज़ पे उतरती है और वही चीज़ जब दिमाग में चलने लगती है तो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसलिए मैं एक एक चीज़ को आपको कई तरह से, कई एंगल से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करें, और वो ना करें तो भी शेयर तो कम से कम किसी एक आदमी को ज़रूर कर दें, ताकि जानकारी किसी और के भी पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।